हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस दर्पण में आपका स्वागत है। अरुणाचल में चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार धार दे रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 9100 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद पर मोहर लगाई है, जिसके तहत आकाश प्राइम मिसाइल और 12 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स खरीदे जाएंगे। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स सीमा पर दुश्मनों के हथियारों का पता करते हैं। वहीं आकाश वेपन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। आकाश मिसाइल दुश्मन के किसी भी तरह के हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे आसमान में ही ध्वस्त कर सकती है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की सबसे ज़्यादा खतरनाक ताकत इसकी रफ्तार है, जो दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका भी नहीं देती। आकाश एनजी की रफ्तार 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में करीब 1250 मीटर दूरी तय करने की ताकत। एलएसी पर आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती से सेना की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा आकाश मिसाइल के मुकाबले अपग्रेडेड आकाश मिसाइल सिस्टम में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे ज़्यादा सटीक बनाती है। फिलहाल भारत में आकाश मिसाइल के 3 वेरियंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, दूसरा आकाश MK2 और तीसरा आकाश नेक्स्ट जनरेशन। आकाश NG मिसाइल को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से भी दागा जा सकता है। आकाश मिसाइल में डुअल पल सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो इसकी रफ्तार को और बढ़ाती है। साथ ही इसमें MFR लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। अब सेना को आकाश के नए अवतार का साथ मिलने वाला है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। धन्यवाद।